हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं इरन अमीन। तो गाइस, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज ये है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि मोस्टली शायद लोगों को नहीं पता होगा कि मेरा कोई भाई या बहन है या नहीं, मतलब कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, छोटा भाई, कोई है या नहीं। तो बता दूं, आई एम सिंगल सन। मेरा कोई बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन कोई नहीं है। एंड रक्षाबंधन आ रही है, तो मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया कि रक्षाबंधन का व्लॉग ब्लैंक चला जाएगा, मुझे पता था। एंड अंकिता यहाँ पे है नहीं, क्योंकि उसका भाई है तो जो बड़ोड़ा में होगा, तो अंकिता विल बी देयर एंड वो उसके भाई को वहाँ पर राखी बांधेंगे और सेलिब्रेट करेंगे रक्षाबंधन। तो मैं नहीं चाहता था कि व्लॉग थोड़ा सा ब्लैंक जाए, तो मैंने एक प्रैंक ही सोच लिया। मुझे मालूम नहीं है कि उसको डाउट जाएगा या नहीं जाएगा। मैं कैमरा अलग जगह पर प्लेस करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर बैठाऊँगा, वहाँ पर कैमरा छुपाऊँगा, क्योंकि वो जहाँ जहाँ पर मैं हमेशा रहता हूँ वहाँ पर चेक करने की कोशिश करेगी। मैं शायद स्टार्टिंग में ना दिखाऊँ तो मेरी आवाज़ सुनाई देगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर मैं उसके अंदर फ्रेम में आने की कोशिश करूँगा। प्रैंक ये होगा कि मैं अंकिता को ये बोलने वाला हूँ कि तू मुझे राखी बांध। जैसा कि सबको पता है, रक्षाबंधन में भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं, एंड अंकिता मेरी गर्लफ्रेंड, तो ऑब्वियसली शी विल फ्रीक आउट। बट मैं उसको है ना बहुत ऑथेंटिक और जेन्युइन रीजंस देने की कोशिश करूँगा कि एक मुझे ब्लॉग बनाना है जिसमें तू मुझे राखी बांध रही है और क्यों बांध रही है, ऐसा अलग एक अलग सा मैसेज देते हैं वगैरह वगैरह, ये मैं उसको रीजंस दूंगा। ठीक है, तो लेट्स सी वो मानती है नहीं मानती है, रिएक्शंस कैसे आते हैं। आई होप वो ना माने, वरना मुझे भागना पड़ेगा। तो गाइज लेट्स स्टार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो गाइज स्टार्ट करूँ से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट दैट बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट बिलो। गाइज आप लोग कॉमेंट करना अपने भाई या बहन का या नाम एंड क्या करने वाले हो या क्या किया अगर आप रक्षाबंधन के दिन ही अगर इसको देख रहे हो तो। तो गाइज एंजॉय द वीडियो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी दो चैनल को सपोर्ट कर दो यार, नीचे लिंक्स दी हुई है, हिरन अमीन रिव्यूज एंड हिरन अमीन मूवीज, एंड अंकिता की भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाके। तो गाइज लेट्स हिट टू द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव। तो गाइज मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रहा हूँगा एंड कैमरा दिख रहा है ना सुन, चीजों के पीछे छुपाने का यही प्रॉब्लम है। आई होप चालू शूट में गिर ना जाए। लेट्स वेट फॉर हर, लॉट्स ऑफ लव। हो गया तेरा काम? मैं क्या ढूंढा? इतने सारे तो लगाया हमें। हाँ तो दूसरे और दो मिले, इसको मैं कहीं सेट कर दूंगी। इधर मैं कर दूं तेरे को? किधर? इधर कुछ मैं, उधर कुछ और सोचा नहीं। वो उसने बिगाड़ दिया। तो कंप्यूटर कंप्यूटर में गिरेगा, टूट जाएगा, वो तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इससे बेटर है मैं रिस्क नहीं लेता। अरे नींद आ रही है मेरे को तो। क्या? नींद ही आ रही है। सो जा रहा हूं। अरे करो, मेरी चैनल है माय बॉयफ्रेंड डूइंग माय मेकअप। कर सकते हैं मुझे अंकिता तेरे वीडियोस की बात कर रही है ना, उसमें एक अमेजिंग मेरे पास वो है। देख रक्षाबंधन में देखो पता है भाई बहन है नहीं मेरे, ठीक है, और हमेशा रक्षाबंधन में तू तो वहाँ पे बिजी होती है अपने भाई के साथ, वहाँ पे आपसे बात करना है। देख तो आइडिया था, मतलब पहले ये क्या कर रही है? तो बोल रहा था कुछ करना ना तेरे को, मुझे डर लगता है। मतलब बोल कर आइडिया बता रहा हूँ, ब्लॉग का आइडिया बता रहा हूँ। अच्छा ब्लॉग ब्लॉक का आइडिया बता रहा हूँ रक्षाबंधन के लिए, मेरी बहन नहीं है तो अपने कुछ नया करते हैं, ठीक है, जिससे बहुत अमेजिंग मैसेज पहुंचेगा। तो थोड़ा पीछे जाना यार, सुन मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ कि एक अमेजिंग मैसेज भी पहुंचेगा लोगों तक एंड बहुत ही अच्छा ब्लॉग भी बनेगा। कुछ कैसे, इस बार तू मुझे राखी बांध, ऐसा ब्लॉग बनाते हैं। Obviously, जैसे तुझे शौक लगा लोगों को भी लगेगा। सुन लेना मेरी बात, सुन ले, जैसे तुझे शौक लगा वैसे लोगों को भी शौक लगेगा। हाँ या ना?
अरे हाँ या ना, शौक तो लगेगा, हाँ या ना, ठीक है? तो तू मुझे राखी सच में मानना, सुन तो ले पूरी बात, आधी बात में क्यों चिल्ला रही है? तू आधी बात में बेवकूफ वाली ही कर रहा है। पूरी बात सुन लेगी? हाँ बोल। मैं बोल रहा हूँ तो तू मुझे राखी बांधना, ठीक है? एंड लोगों को ये मैसेज पहुंचाना है कि जिन लोगों के भाई बहन नहीं होते हैं, मेरे पति बॉयफ्रेंड का राखी बांधना है। अरे क्योंकि रक्षाबंधन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जो बांधता है उसकी रक्षा सामने वाला करेगा। अरे उससे बेटर आइडिया है उसके एक दिन पहले फ्रेंडशिप डे में, तो फ्रेंडशिप पहले बांध दोगे। अरे वो ठीक है ना, पर मैं तो ये मीनिंगफुल बोल रहा हूँ, फ्रेंडशिप डे तो मना लेंगे यार अपने, ये मीनिंगफुल लगेगा। जैसे वाइफ अपने हस्बैंड को बांध सकती है, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बांध सकती है, भाई बहन तो एक दूसरे को बांधते ही है, ठीक है? अरे कोई एनिमल क्यों ना हो, एनिमल को अगर बांधो तो इंसान एनिमल को प्रोटेक्ट करे। तो मेरे वहाँ गाड़ियों को भी बांधते है राखी, तो तुम गाड़ी को प्रोटेक्ट कर, मतलब गाड़ी तुमको प्रोटेक्ट करेगा इसलिए ना। एग्जैक्टली तो यही तो मैसेज पहुंचाना है। पर ब्लॉग बना के लोगों को मैसेज पहुंचाना है, यूट्यूब के थ्रू इतने फैंस है उनको मैसेज पहुंचाना है। सब बॉयफ्रेंड है ना, गालियां देकर मेरी गर्लफ्रेंड राखी लेके पीछे भाग रही है और मेरे को नहीं करना। प्रॉब्लम क्या है, पर कुछ गलत करने का तो बोल नहीं रहा। अरे मैं भाई के लिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ, भाई के सेंस में नहीं मांगना है। एक बार सोच, अमेजिंग रहेगा। देखो पता है मैं एक बार टी शर्ट पहनी हूँ, दूसरी बार टी शर्ट में लोग बोलते हैं अच्छा अंकिता ने ये वाली टी शर्ट ये वाले प्रैंक में पहनी थी। अब मुझे नहीं पता होते कि प्रैंक हो रहा नॉन वाला, घर मेरे पास इतने नहीं कि मैं बार बार रोज रोज नए। एक सेकेंड मैं बात बता रही हूँ, ये तो इतने छोटी चीज है, लोग अपने को फॉलोअर्स है, लोग अपने अपने को छोटी सी चीज में पॉइंट पर पागल है, बवाल हो जाएगा, न्यूज में तेरी मेरी फोटो आ जाएगी। पॉजिटिव में आएगा ना, क्योंकि उसके साथ मैसेज भी तो है, और बाय चांस अगर कोई जगह पे है नेगेटिवली छप जाता है, कुछ भी आ जाता है, समझ बात को, ठीक है? तो भी लोग देखने जाएंगे वीडियो को, उनको तो दिखेगा ना कि ये किस सेंस में डाला हुआ है। और मैं तो बोलता ऐसे की फोटो तो वायरल हो जाएगी। मीडिया न्यूज के अंदर कुछ अच्छा काम करे तो उन लोगों को खराब बता देते हैं, ये खुश ये काम कर। अरे पर लोग तो क्यों कुछ नहीं, मैं वीडियो कुछ अपने को आ जाएगा चीजें कि ये लोग खराब, तो मेरे वायरल हो जाएगी। मेरे को डर है मेरे घर फ्लैट के नीचे लोग आकर के खड़े रह गए तो अपना पहला प्रैंक नहीं व्लॉग होगा जो वायरल होगा। सोच क्या हो, कुछ नहीं है, वहां पर आवाज आई क्या? मुझे डाउट है तू मेरे पे कुछ कर रहा है प्रैंक, मतलब अरे व्लॉग की बात करो, इसमें प्रैंक क्या होगा मुझे नहीं पता। अंकिता कांच गिरेगा, पागल है क्या तू? उसने छुपाया था पर पीछे, अंकिता कांच गिर जाएगा, मत कर वैसा। क्या कर रही है यार, अंकिता बैठेगी आके नहीं कर रहा प्रैंक में, सच्ची में प्रैंक नहीं कर रहा ना, क्योंकि कैमरा दिखा है नहीं, तो फिर वॉइस रिकॉर्ड करके तो नहीं डालेगा, तो मैं कवर एक तरफ दिए दोनों जैसे कर लेते हैं ना प्लीज। हिरेन तू प्रैंक कर रहा है? अरे नहीं कर रहा हूँ प्रैंक अंकिता, एक सेकंड तुम्हें यकीन नहीं आता है, रुक ये भी लेके रखी है मैंने। सीरियसली बोल रहा हूँ, क्यों हंस रही है? ये पागल हो गई क्या? करियो क्या हुआ, क्या हुआ? मैं सीरियसली ये लेके आया, मैं तो ब्लॉक करना था, फटाफट कर लेंगे तो जाए उससे पहले। क्या हुआ अब
नहीं मानी ब्लॉग करने का इसका बोल ऐसा लग रहा है देख अगर प्रैंक कर रहा हूँ अंकिता तो मैं बांधने नहीं दूंगा देखो ले बांध ले बांध ले पागल मत बन दिमागी दौरा पड़ा गया मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ तो पागल जैसे बिहेव कर रही है मन नहीं करना है तो मना कर दे फालतू में इंसल्ट मत करा मेरी चॉइस से नहीं लाया मैं बस रैंडमली राखी लाया जो सिंपल सी क्यूट लाया चलो भैया मेरे राखी संजय बांध रही अभी गाना गाना पड़ता है ऐसे पता है और ऐसे पर वीडियो में बांधना ना अभी की बांध रही है ऐसे नहीं रखते मेरे मम्मी बोलते ऐसे राखी बांधते हैं ना मत्थे पे कपड़ा होना चाहिए तो और मिठाई भी मेरे पास है अंजीर अंजीर मिठाई नहीं होती मीठा मुंह करना चाहिए अरे सुन मेरी बात अरे तो वीडियो बना लेते ना अभी कुछ मीठा हो जाए तो रुक मैं कैमरा चालू कर देता हूँ ये ले ले ये वाला कर अरे पूरा पहले से ब्लॉग बनाते हैं ना पूरा पहले रिहर्सल कर रही हूँ भैया मेरे राखी के बंधन को क्या कर रही है राखी बांध रही है वीडियो में बांधना है सब बोल रहा हूँ रिहर्सल करनी तेरे साथ में मैं एकदम सडनली राखी नहीं बांध पाओगे ना इसे बांध पाएगी तू ट्राई करना तू ट्राई करना इसको छोड़ अभी नहीं नहीं मैं वीडियो करता हूँ चालू चलो वीडियो करता हूँ पागल है क्या क्या कर रही है नहीं पागल हो गई पर तू वहां तक गई तुझे कैमरा कैसे नहीं दिखा ये जाने चल अंकिता नहीं नहीं अंकिता नहीं कौन कौन चाहता है कि मैं हिरन को आगे बांधू प्लीज कमेंट करो जा बे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही ठीक रुक जा इधर आ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना तुझे वहाँ कैमरा कैसे नहीं ढूंढा तूने वहाँ पे यहाँ पे सब जगह से ढूंढ लिया यार मुझे नहीं पता नहीं तो ये डपचर समझ नहीं आता इस कितने लोगों को डपचर वर्ड पता है वो नीचे कमेंट करना प्लीज फूलों का तारों का अंकिता बहुत हुआ देखो पता है मैं प्रैंक कर रहा था मैंने कर रहा मैं सीरियस हूं मुझे तुझे राखी चाहिए मुझे तेरे से गिफ्ट लेना है मिठाई की लानी है जाने दे अंकिता मत करना प्लीज मैं बंद कर दूंगा कैमरा मत कर मत कर रही मेरी बहनों है चॉइस इनको दिखानी है राखी पर एक सेकंड गाइस ऐसी वाली मैं राखी लाया था यार है तो मत कर मुझे राखी बननी है तुझे हां ठीक है फिर अपना राखी का संबंध हो जाएगा चलो राखी बांधे बैठे पता है ये तो प्रैंक ही पर मैं ढूंढ नहीं पा रही थी कैमरा और वो तूने वो काले बॉक्स के पीछे रखा था भाई मैंने बोला था गाइस मैंने पहले इन लोगों को बोल दिया था कि मुझे डाउट इसको डाउट जाएगा इसलिए मैंने कैमरा की पोजीशन चेंज करी सर कैमरा नहीं मिला पर तुझे ये क्या कर रही है बे डांस कर रही है ये था मेरा रक्षाबंधन के लिए प्रैंक फेल हो गया मुझे पता चल गया था ये प्रैंक है तो ये इनडायरेक्टली फेल ही हो गया ओके ये फेल नहीं था फेल
कमेंट बता दो इसको असली हकीकत। वैसे तो बहन जैसी लग रही है। अच्छा हिरन हट, मैं तेरे से नहीं बनने वाली। देखो बहन ही, मैंने ये थोड़ी बोला कि मेरी बहन जैसी लग रही है, मैं बहन जैसी लग रही है। तू भी हजारों का भाई है, हिरन भाई है, हिरन भाई है। हाँ रक्षाबंधन का स्पेशल प्रैंक वीडियो ऑन गर्लफ्रेंड। सैया बनी, मतलब बहन है बनी, नहीं क्या लड़की को क्या बोलते सैया की जगह, सैयन ना क्या बोलते हैं, सजनी, सजनी बनी बहना। बड़ा बढ़िया। एनीवेज गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक ऑल, लाइक द वीडियो, जल्दी 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 कमेंट करो। जितने भी लोग हैं सबको हैप्पी रक्षाबंधन है, बस सेफ रक्षाबंधन। अभी सिचुएशन ऐसा है तो प्लीज प्लीज बी केयरफुल, बाहर जाओ और बने वहां तक मत बाहर जाओ। और भाई लोग, अगर आपकी बहनें नहीं आ रही है आपको मिलने के लिए बुरा और मतलब रक्षाबंधन के लिए, तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप सामने से बोल दो कि तू मत आना, मैं फिर भी तुझे गिफ्ट भिजवा दूंगा, वीडियो कॉल पर राखी बांधवा लूंगा। हाँ, एंड अंकिता के चैनल पे एक वीडियो है रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट, आप वहां पे जाके देख लो, लिंक्स नीचे दी हुई है, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ऑप्शन है। तो गाइज सी या, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लो एंड हिरन अमीन मूवीज एंड हिरन अमीन रिव्यूज को जाके सपोर्ट करो गाइज। वहाँ पे सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे और इस चैनल पे भी बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, एंड बहुत सारे लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया। एक अमेजिंग बात बता रही हूं, नोटिफिकेशन हम लोग एक सेकंड मेरा खत्म होना चाहिए। तो गाइज बेल आइकन दबाने का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ऑलमोस्ट हर वीडियो को प्रीमियर करते हैं। क्यों करते हैं प्रीमियर, बहुत लोग पूछते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि हम प्रीमियर इसलिए करते हैं सो दैट हम आप लोगों के साथ हर वीडियो में लाइव चैट पर बात कर सकें। तो हम लोग आप लोगों से लाइव चैट पर बात करते हैं, वो ज्वाइन करने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि जब हम अपलोड करें कितने बजे करने वाले वो नोटिफिकेशन आएगा, तो आप लाइव चैट को ज्वाइन कर पाओगे उतने बजे। और हम लोग एक अमेजिंग वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम लोगों को, आप लोगों की, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है उन लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज फटाफट फटाफट सब्सक्राइब कर लो। वो आने वाली वीडियोस में हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। कौन सी वीडियो, हिरन को भी नहीं पता, मेरे दिमाग में भी आइडिया और मैंने बोल दिया। बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।